अजीब सा फील हो रहा आज, ऐसा लग रहा है कि बस हीटर लग जाए। चलिए तो दोस्तों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा क्लास लेट हो गई, मैं कुछ सर से गुफ्तगू करने लग गया था। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सुकेना बेटा, रुबराज अग्निहोत्री। चलिए इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को कि देखिए, आप में से बहुत से बच्चे सीए के साथ साथ फाउंडेशन भी कर रहे होंगे, मतलब फाउंडेशन के साथ ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे सारे। तो ग्रेजुएशन भी करिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस आप सीए को दीजिए। ठीक है, ग्रेजुएशन को इंपॉर्टेंस कम दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी, अगर मेरे को एक विद्यार्थी ने मैसेज किया था कि सर मैं क्या करूं, तो मैं कहना चाहता हूं आप ग्रेजुएशन को इंपॉर्टेंस दीजिए, ऐसा मत दीजिए कि नहीं करनी, ग्रेजुएशन भी करनी है आपको, बट सीए को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखिएगा। ठीक है, सीए को प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, ऐसा मत कीजिए ना ग्रेजुएशन छूटे ना सीए छूटे, ऐसा कुछ कोशिश कीजिए। अगर दोनों का पेपर एक दिन पड़ जाता है तो आप ग्रेजुएशन पेपर छोड़ दीजिएगा, सीए का पेपर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन पेपर देने का मौका मिलता है। लेकिन सीए में अगर एक पेपर छूट गया तो फिर पूरा 6 पेपर देने का, चारों पेपर दोबारा देने का मौका मिलेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन में केवल एक ही पेपर देने का मौका मिलेगा, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे आज, तो सभी विद्यार्थी हाथ गर्म कर लीजिए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। पैन भी जलता है ऐसे में। चलिए, द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, जीपी का जो सेकेंड टर्म है वो कितना है? 24, और फिफ्थ टर्म कितना है? 81। तो बताइए, सीरीज बनाइए। देखिए एक बताओ, जीपी का जो सेकेंड टर्म है, अगर आप जीपी के सेकेंड टर्म की बात करो तो जीपी का जो टर्म निकलता है वो इस तरह निकलता है, a n into a into r की पावर n1। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं तो ए इंटू आर की पावर 2n-1 क्या आएगा? ए इंटू आर आएगा। अरे एन की जगह 2 पुट कर देना बेटा, तो ए आर आ गया। ये ए आर किसके बराबर है सेकेंड टर्म? ये 24 के बराबर है। किसके बराबर है? 24 के बराबर है, ये पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद कह रहा है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा बेटा? ए फिफ्थ क्या होगा? ए इंटू आर की पावर, तो ए इंटू आर की पावर 4 इक्वल टू किसके बराबर है? 81 के बराबर है। तो बताओ ए जीपी की सीरीज क्या होगी? जीपी की सीरीज, तो जीपी की सीरीज निकालने के लिए सबसे पहले आपको आर कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद आपको ए कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? जो सेकंड इक्वेशन होती है उसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड इक्वेशन को, तो सेकेंड इक्वेशन कौन सी है? ए आर की 4 अपॉन में ए आर, 81 अपॉन 24। ए से ए कट गया, आर से ये कटा, क्या बचा? अब ये काटो कितने से कटेगा? 3 से। कितना है? 27, ये 8। ठीक है, अब ये कितना हो सकता है? 3/2 की क्यूब, तो क्यूब से क्यूब आर कितना आ गया? तो आर मेरा 3/2 आ गया। फटाफट पहले आर निकाल लो, फटाफट से पहले आर निकाल लो आप। पहले आप आर कैलकुलेट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कब खत्म होंगे? बीकॉम के एग्जाम हो जब बच्चे सब आना शुरू करेंगे, 30 जनवरी। बाबा रे बाबा, क्या होगा ये देश का? 30 तक तो ठंड भी चली जाएगी। जब से नया साल शुरू हुआ तब धूप निकलना बंद हो गई,
आज थोड़ा सा हो सकता है लॉगिक क्लास ना भी हो भी सकता है, और हो सकता हो भी हो। कि सर ऐसा लग क्यों रहा है, मैसेज आया कुछ? तो चाहते हो छुट्टी मार लें आज? वो कह रही है सर, कह रही सर थर्ड हो रही है, घर जाके छोएंगे चाय वाय पीएंगे, आराम से बिस्तर बैठ के पकौड़े चाय पिएंगे। चलिए आर बराबर 3/2 आ गया पक्का। चलिए जब आर निकल गया तो अब निकालेंगे किसके लिए बेटा, ए की वैल्यू, क्योंकि मुझे R और A चाहिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए। R निकल गया बेटा, अब R को पुट कर दो पहली इक्वेशन में, यहां पर A निकाल लो। ये A इंटू R कितना है बेटा यहां पे, 3/2 इक्वल टू, तो 2 इधर चला जाएगा, तो A इक्वल टू आ जाएगा 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा 8 × 2 = 16। A कितना आ गया, तो ए आ गया आपका 16। ए निकल गया, आर निकल गया, ठीक है बेटा, ए निकल गया आर निकल गया। अब आपको बनानी है सीरीज, अब आपको बनानी है सीरीज। तो सीरीज क्या होती है, सीरीज होती है ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, एक एक बढ़ता रहता है ऐसे बेटा। तो ए कितना था, 16, यहां पे ए इंटू आर, ए इंटू आर मतलब सेकेंड टर्म कितना है 24, फिर ए कितना 16 इंटू आर कितना है 3/2 का स्क्वायर, फिर 16 इंटू 3/2 की क्यूब, तो 16 = 24, ये कितना आया 16 × 9/4, 16 × 27/8, ये कितना आ गया 4, तो 16 × 24 कितना 36, 54, उससे अगला निकालोगे तो ए आर 4 आएगा, ए 16 × कितना आएगा, अरे तो 81 दे रखा है, तो 80 क्या होगी, 16 × 24 = 36, 81 54 81 है कोई आंसर इसका, 16 : 24 = 36 = 54 = 81, मतलब ये मतलब ऑप्शन नंबर सी 16 : 24, ये ध्यान रख रहे हो, यही है, ये नहीं है 16 : 36 पहले यहाँ पे, ठीक है उतार लो इसको। अब सर इसका कोई शॉर्टकट तरीका बता दो, क्योंकि तो मेरे को तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा आलस आता है। नहीं मैं थोड़ा कर नहीं पाता हूँ, तो क्या किया जाए, कोई और तरीका सोचा जाए, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े नादान हैं मैथ्स में। चलो कोशिश करते हैं और आसान तरीके की। तो ये तरीका था सिखाने वाला, कि आप सीख गए कि कैसे आप निकालते हैं आर की वैल्यू और ए की वैल्यू, लॉजिकली आपको भी सिखा दिया। अब इसको शॉर्टकट तरीके से भी हम कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे शॉर्टकट तरीके से, हाथ वैसे ही चल रहे हैं तो शॉर्टकट बता दो, कम चलाना पड़े हाथ, ठीक है आगे बढ़े नहीं तो कराया जाए शॉर्टकट तरीके से। अब देखो ध्यान से, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कौन सी टर्म एपी में है और कौन टर्म एपी में नहीं है। क्या ये एपी में है, इनका कॉमन रेशियो बराबर है, देखो आर निकाल के देखो कितना आएगा 36/16 और 24/36, ये बराबर नहीं आ रहा, तो ये एपी में नहीं है, ये भी एपी में, ये चेक करो एपी में है या नहीं है, 24/16 सॉरी जीपी में 16/24, ये भी आ रहा है 3/2, ये भी 3/2 आ रहा है, ये तो ये जीपी में है, इसका ये दोनों तो आंसर नहीं है, ये आंसर हो सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं, इसका सेकंड टर्म किसका 24, क्या सेकेंड टर्म इसका 24 है 24 या नहीं है,
किसी का 24 है, किसी का सेकंड टर्म 24 है ही नहीं, फिर क्या कह रहा है? फिफ्थ टर्म क्या होता है? ए आर की पावर 4, ए कितना है 16, आर कितना आया था 3/2 का पावर 4, तो 16 × 27/8 कितना आ गया, तो 2/27 आया ना। हाँ भाई, 4 पावर कितना होगा, 81 हो गया ना, 16 × 81/16 कितना आ गया, कौन सा टर्म आ गया, 5वां टर्म, वो कितना रखा है 81, तो इसी का तो है बेटा। सबसे पहले आपको चेक करना है जीपी में कौन सा है या नहीं है, तो सर ये जीपी में नहीं है, ये जीपी में नहीं, यही जीपी में है, फिर इसका सेकंड टर्म कितना है 24, इसका भी 24, तो यहीं से आंसर आ गया था। और फिर क्या करना, चेक करना था फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होता है ए आर की पावर 4, रख के देखो ये क्या 81 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ऑप्शन से चेक करना है कि ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 करें भाई, सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 30, क्या तीन नंबर का टोटल कितना है 39 है, और उनका प्रोडक्ट कितना है, तीन नंबर का टोटल कितना है 39, उनका प्रोडक्ट कितना है सर, पहले चेक करो कौन सा जीपी में है या नहीं है, क्या ये जीपी में है, नो, ये जीपी में है, नो, ये जीपी में है। अब इन तीनों का टोटल देखो, क्या ये 39 बन रहा है, और तीनों की मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये 79 बन रहा है, तो यही ऑप्शन हो गया, ठीक है, यही हमारा ऑप्शन हो गया। बेटा कौन सा चीज एक्सप्लेन करूं दोबारा, ये बताओ पहले, 13 क्वेश्चन, इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, कह रहा है पहले तीन टर्म की मल्टीप्लाई कितनी है 27/28, तो बताओ बीच की वैल्यू क्या होगी, बीच की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ जीपी के जो तीन टर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, फिर ए, फिर क्या होता है ए आर, फिर क्या होता है ए आर स्क्वायर, ये होता है ना बेटा, भाई जीपी के जो पहले तीन टर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, पहला होता है ए, फिर होता है ए आर, फिर होता है, इन तीनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो कितना था मल्टीप्लाई करके, ये 27/8, अब मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या गया, 1, 2, 3, ए तीन बार हो गया और आर भी हो गया भाई, इसको लिखता हूं ए आर की पावर इसे 3/2 की पावर 3 × 3, तो ए आर बराबर कितना आ गया, और ए आर कौन सा टर्म है, तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सेकेंड टर्म की वैल्यू, बिल टर्म है सेकेंड टर्म कितना आया 3/2, ऑप्शन कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
चलिए तीनों क्वेश्चन करा दिए। अब इन तीनों क्वेश्चन को मैं दोबारा करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जिनको एक बार में समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, उनके लिए दोबारा। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन करा रहा हूं मैं अपने आप, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से स्लो है मेरी तरह। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर, द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, कह रहा है जीपी का जो सेकेंड टर्म है कितना है 24। तो पहले चेक करो ऑप्शन में किसका टर्म 24 सेकेंड नंबर पे, क्या इसमें सेकेंड नंबर पर जीपी है? नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये भी तो भाई यही हो सकता है। पहले तरीका ऑप्शन वाला करा, बाद में तरीका हूँ बड़ा वाला, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें अगर ये हो सकता है, इसका आर निकाल लो, आर कितना होता है ए टू बाय, तो आर कितना होगा 24 डिवाइड बाय 16 कितना हो गया, ठीक है। अब मुझे निकाल के देखना कि 15 टर्म 81 आ रहा है या नहीं आ रहा। 5th टर्म कैसे निकालते हैं, ए आर की पावर 4, तो ए तो कितना है 16, ये है ना बेटा, और आर कितना है 3/2 की पावर 4, 16 इंटू 81 अपॉन 16 आ गया 81। इसका यही मेरा ऑप्शन है, ये तरीका हो गया उससे जो ऑप्शन तरीका है। अब वो वाला तरीका कराता हूँ, वो वाला तरीका भी आप सीख लो दोबारा से, समझ में आया नहीं आया बताओ पहले। अब वो वाला तरीका सीख लो, ये तो था ऑप्शन वाला तरीका। सर ये तो आसान है, कोई बात नहीं बेटा आसान है, वो वाला भी सीख लो, वो भी आसान है। वो क्या कह रहा है इसका कि आपका सेकेंड टर्म कितना है 24, सेकेंड टर्म कितना है, तो सेकेंड टर्म क्या होता है ए आर बराबर है किसके, ये पहली इक्वेशन होगी। फिर कह रहा है कि इसका फिफ्थ टर्म क्या होता है ए आर की पावर 4 कितना है ये। अब मुझे यहां से निकालनी है आर, बड़ा कौन सा है ए आर की पावर 4, तो हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा ए आर की 4 अपॉन ए आर इक्वल टू 81 अपॉन 20, यही है बेटा, ए से ए कट गया। अब ये पावर डिवाइड में सबट्रैक्ट तो कितनी बची 3, यहां पे काटो किससे 3 से 27 और ये 8, ठीक है। अब 27 और 8 लिख सकते 3/2 की पावर 3 से 3 कट गया, तो आर कितना आ गया आर आ गया। अब आर की वैल्यू यहां पुट करनी है, तो क्या आएगा ए इंटू आर कितना है इज इक्वल टू 24, ये 2 इधर आ जाएगा, ए इक्वल टू 24 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, ए कितना आ गया 16। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब जीपी का टर्म क्या थे ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर की 3 यही था, तो ए कितना है 16, यहाँ पे 16 इंटू आर कितना है 3/2, फिर 16 इंटू 3/2 का स्क्वायर, फिर 16 इंटू 3/2 की क्यूब, फिर 16 इंटू 3/2 की, बस इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर 16 24 36 54 81 आया, समझ में? दोबारा बताऊँ, अब आ गया। चलो चलो सर, आपने हमारे दिल की बात सुनने की, दोबारा करा दिया आपने इसको। अब बताओ हिमांशी बेटा, दोबारा कराने की जरूरत है इसको अब या नहीं, बताओ आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं मेरे भाई, पेपर कभी टफ नहीं आता, बट हम उसको टफ बना देते हैं ना पढ़ के, पढ़ना छोड़ दो टफ बन जाएगा, क्या दिक्कत वाली बात है। चलिए जी, बारहवा तो करा दी, बात नहीं होगी, बारहवा तो आसान है ना, बारहवा तेरहवा कराऊंगा नहीं? नहीं नहीं, चलो चलो चौदहवा क्वेश्चन, इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे, 4 पैसा उससे अगले दिन, तो ऐसा करते करते बताइए 2 हफ्ते में कितने पैसे गुल्लक में जमा कर लिए आपने। 2 हफ्ते में कितने दिन होते हैं बेटा,
14 दिन होते ना। अब ये पैसा बढ़ता जा रहा है, पहले दिन कितना पैसा है, एक पैसा, पहले दिन है एक पैसा वाला 0.1 पैसा, फिर 4 पैसा, ऐसा बढ़ते गए। तो बताओ 14 दिन में कितने पैसे मिले, पहले बताओ उसका आर चेक करो, आर कितना आएगा, ए टू बाय इवन, आई थिंक टू आ रहा है, टू आ रहा है। अब ये किसके अंदर है, जीपी के अंदर सीरीज है, तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला मैंने ट्रिक क्या दे दी, ए प्लस इक्वल टू आर इंटू ए, याद है आपको, ए कितना है 0.01 प्लस इक्वल टू आर कितना है 2, फिर कितना था एन माइनस 1 जीटी इक्वल टू कितनी बार 13 बार जीटी, करिए कितना आंसर आ रहा है। कितने पैसे जमा हो गए आपके पास, 163.8। क्या ऑप्शन में कोई ऑप्शन है ऐसा, ये देखो ऑप्शन नंबर सी, क्या बेटा बात समझ में आई आपको, नहीं आई, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं मेरे भाई, स्लोली स्लोली करो। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, देखो एक एक पैसे से भी कितने जमा कर लिया उसने रुपए, क्योंकि वो मल्टीपल होते चले गए। अगर वो मल्टीपल होते जाए तो आज 1 रुपए दीजिए, कल 2 दीजिए, फिर 4 दीजिए, फिर 8, फिर 16, ऐसे करोगे तो आपके पास कितने बन जाएंगे। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वैसे आप चाहते हो 2 क्लास एक दिन हो या 2 दिन एक दिन, दो दो आना पड़ेगा आपको। एक दिन ऐश करते हो आप, एक दिन पढ़ते हो, कह रहे एक दिन ये कह रहा थक जाते एक दिन, क्योंकि आने जाने में जो टाइम लगता है आपको, आने में 1.5 घंटा, आने जाने में 1.5 घंटा, 3 घंटे वहीं चले जाते हैं, जो दूर से आता होगा, जो पास से आता है उसको क्या है, आधा घंटा या 10 मिनट में आ जाएंगे। हाँ बेटा सर वेत, ओके बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई शुरू के 4 क्वेश्चन हो गए बेटा, ये चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है ओके, कोई बात नहीं, अब इधर आ जाओ। फोर ज्योमेट्रिक मीन, इनके बीच में 4 नंबर लाने, इनके बीच में 4 नंबर इंसर्ट करने, क्या करने, 4 नंबर, तो ये जिस 4 और इसके जो 4 नंबर लाने हैं, तो पहला नंबर 4 होगा, उसके बाद लास्ट नंबर कितना होगा, 4 ज्योमेट्रिक मीन, मतलब जब भी ज्योमेट्रिक मीन कहेगा वो जीपी का क्वेश्चन होगा, और अर्थमेटिक मीन कहेगा तो एपी का क्वेश्चन होगा। तो चलिए 24वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसके बीच में बेटा, 4 और इसके बीच में, तो पहला क्या होता है, ए होता है, फिर क्या होता है, ए आर, फिर ये क्या हो गया, इसका मतलब ये AR5 हो गया, AR5 कितना हो गया 972, पहली इक्वेशन, A कितना हो गया 4 हो गया, अब A की जगह 4 पुट करो, 4 × R^5 972, तो R^5 972/4 कितना है बेटा, डिवाइड करो 972 को 243, तो R^5 ये 243 क्या होता है, 3 की पावर
फाइव से फाइव तो आर कितना हो गया बताओ, इतनी बात समझ में आई? चलो उतार लो इसको, आर थ्री आ गया अभी 24। देखिए जो एक्सरसाइज में दो दिन पूरी करता हूं मैं, आपको चार दिन लेता हूं उसको एक्सरसाइज में, आराम आराम से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्हें मैथ से डर लगता है और लॉ से भी डर लगता है, कह रहा लॉ लिख नहीं पाते बस, याद तो सब हो जाती है, लिखने में हाथ तंग हो जाता है। सर बोलते हैं क्वेश्चन लिखो, हम कहते हैं क्या लिखें, इसीलिए टेस्ट में भी साहब भागने की कोशिश करते लोग। मैं तो चलो कोई तुक्का मार देंगे, लॉ में कि तुक्का भी नहीं मार सकते, उसमें लिखना ही लिखना है तो पेपर ब्लैंक होता है उसके अंदर। जब पढ़ते हैं अच्छा लगता है, मज़ा आता है केस पढ़ने में, जब लिखने आते हैं तो लिखा जाता ये समस्या होती है ना, जब सर सुनाते कहानी से बड़ा अच्छा लगता है, एकदम ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब लिखो तुम, लिख नहीं पाते सर बस, क्यों सर वो पता नहीं सर, बचपन से हाथ तंग है। हो गया बेटा पक्का? चलिए आर आ गया बेटा, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो भाई पहली वैल्यू कितनी थी चार, दूसरी वैल्यू क्या है ए इंटू आर, तो ए कितना था चार इंटू आर कितना है तीन, तो बारह हो गया, फिर ए इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है तीन का स्क्वायर कितना होगा नाइन, फिर चार इंटू आर की पावर थ्री, तो थ्री की दीवार कितना होगा सत्ताईस, तो ये आ रहा है चार बारह छत्तीस इक्यासी, और उससे अगला भी निकाल दूं क्या, ये कितना है चार इंटू आर की पावर फोर कितना होता है एट्टी वन, चार एकम चार चार अठे बत्तीस तीन सौ तैंतालीस, और ये आ गया नौ सौ बहत्तर, ये आ रही सीरीज, कौन सा ऑप्शन आ रहा भाई चार बारह छत्तीस आठ, डी ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके बाद सारे क्वेश्चन रिपीट मानने हैं, वो हमेशा है ऐसा ही होता है। चलो चलो बुलावा आया है, आईसीआई माता ने बुलाया है, ट्वेंटी थ्री करें, सम नहीं सम ऑफ द टर्म टू बी टेकन, करें कितने नंबर का टोटल कितना होना चाहिए एट वन नाइन वन, तो बताओ ए कितना है सर, ए तो वन है, आर बताओ आर क्या होता है ए टू बाय ए टू कितना है टू बाय वन, दैट इज टू है, आर टू है, अब ये हमारा एस एन है, तो ये जीपी के अंदर है तो जीपी में एस एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस इक्वल टू आर इंटू ए इक्वल टू एन माइनस वन जी टी, ये बेटा तो ए कितना है ए तो है वन, वन प्लस इक्वल टू आर कितना है टू इंटू वन, अब इक्वल टू ऑप्शन ट्राई करो, ऑप्शन बी लेके चलो, कितनी बार दबाएंगे बारह बार, जी टी करो क्या ये आ रहा है, अगर आ रहा तो यही ऑप्शन है, नहीं आ रहा हाँ तो यही ऑप्शन है, सर एक ऐसा क्वेश्चन आप भी करना चाहोगे बस डिजिट बदल दें। चलो क्वेश्चन नंबर 18, आई थिंक मेरे ख्याल से यही है बस डिजिट बदले हुए,
वही गो ऑप्शन नंबर बी, पता नहीं बी क्यों आता था। खैर बी लिख के आ जाओ, अरे ये मैंने पहले ही बोला था और आज ही बोलो, ऐसा नहीं होता। हाँ पहले बी से करते ज्यादा चांसेस रहते हैं कि बी ऑप्शन ज्यादा रहे। हो गया जी, सिक्स आ गया नहीं आ गया सबका, तो कितनी बार गुड़ रहा, पांच बार, तब आपका आंसर आ जाना चाहिए वाला। हाँ जी बच्चों हो गया, कोई दिक्कत। अब आता है सम टू इनफाइनाइट, क्या आता है? अगर आपको याद हो सम टू इनफाइनाइट का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? बताओ क्या लिखवाया था सम टू इनफाइनाइट का? ए अपॉन वन माइनस आर, जिसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं दिए होते, और ये जीपी के अंदर ही होता है, एपी के अंदर नहीं होता। सम टू इनफाइनाइट लिख लो, जिसने नहीं लिखा हो तो, लिखा था लास्ट क्लास में सबने, लास्ट टू लास्ट क्लास में लिखा होगा, लास्ट क्लास में लिखा होगा। हर एक विद्यार्थी ठंडी है बड़ी अच्छी, तो आजकल तो रात को 7 बजे बिस्तर में घुस जाते होंगे। आप प्रो कबड्डी का मजा लेते होंगे कि सर चलो मैच देखते हैं कबड्डी का। चलो जी यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिखाई दे रहा आपको, सम ऑफ द इनफाइनाइट ये सीरीज है। पहला क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 1 बाय 3, फिर 1 बाय 9 माइनस 1 बाय, ये ना, तो इसका ए बताओ कितना है, आर बताओ कितना है, माइनस 1 बाय 3 अपॉन 1, तो मतलब माइनस आर माइनस 1 बाय 3 बेटा, क्योंकि ए 2 बाय ए 1 होता ना। अब सम का फॉर्मूला ए ये होता है, ए कितना है 1, 1 माइनस माइनस 1 बाय 3, तो 1 अपॉन कितना आ गया प्लस का, 3 और 1 4 बटे 3, तो कितना आ जाएगा 3 बटे 4, मतलब 0.75। कोई ऑप्शन है? हाँ कहाँ पे बेटा, ये तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। कॉमा लगा हो ना लगा हो, कोई यहाँ भी लगा लेगा, कॉमा लगा था, ये फर्स्ट टर्म नहीं मानता, ये सेकंड टर्म नहीं माना, यहाँ कॉमा का लगा था, चाहे प्लस माइनस लिखा हो लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे टर्म मानेंगे। इसे कॉमन प्रॉब्लम सभी पूछते हैं, ये बात इसे नॉर्मल प्रॉब्लम, हर बच्चे को लगता है इसमें कुछ डाउट, यही वाला, इसे कॉमा नहीं है तो कैसे होगा। दो क्लासेस और लगेगी इसके बाद, इसके बाद तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हम स्टैट्स स्टार्ट करेंगे इसके बाद, वो चैप्टर जो 14 नंबर का एग्जाम में आता है, जैसे टीवीएम कह रहा 15 नंबर का, 12 15 का, वैसे भी 14 नंबर का आता है। हाँ पहले बड़े बड़े चैप्टर कर ले जो ज़्यादा नंबर के हैं, अच्छे से मजे से पास होने के नंबर तो पहले ले ले। हाँ क्वार्टर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब है, QDSD सब है। मतलब बेटा जो मीन और मीडियन होता है ना बीकॉम के सिलेबस में होता है सब्जेक्टिव, और यहां हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव।
वहां तो पूरा पूरा करना है, यहां तो जय माता दी करना है। कॉन्सेप्ट तो वही होगा, बस यहां शॉर्टकट होंगे, वहां पूरा पूरा कॉन्सेप्ट तो यही होंगे। अगला क्वेश्चन करो इससे ऊपर, 21वां। ये भी तो सम टू इनफाइनाइट का है, करके दिखाओ जरा 21वां क्वेश्चन मुझे, सम टू इनफाइनाइट का। बी सौम्या जी ने आंसर भेजा है। तुम लोग तो चाय नहीं पीते होगे, बच्चे हो तो। टीचर बहुत पीते चाय, ये नहीं पीती बालिका तो चाय। वेरी गुड, बाकी बालक सारे पीते हैं। कब आएगी ये ठंडी गर्मी, ठंडी गर्मी, ठंडी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए कितना लिया आपने, ए 14 लिया, आर कितना लिया, -2/14 मतलब -1/7, तो 14 बटे में 1+1/7, तो माइनस प्लस हो गया, 7 और 1 8, तो 14 बटे में 8/7, 7 14 × 7/8, 2 से काट लो 4, तो 49/4, और ऑप्शन नंबर बी। चलो जी ये भी हो गया बेटा। देखिए बेसिक कैलकुलेशन तो आपको सीखनी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लस माइनस के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई थोड़ा सा, मेरे को कोर्स भी पूरा कराना है। चलिए जी आगे, क्वेश्चन नंबर 19। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी, कह रहा 3 नंबर की मल्टीप्लाई कितनी है और उनके स्क्वायर का सम कितना है। पहले ये चेक करो कौन सा जीपी में, सर ये जीपी में, ये जीपी में, इन तीनों की मल्टीप्लाई करना, 3, 9, 27, क्या आ रहा है 17, 20, फिर इनके स्क्वायर का, 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, 9 + 81 + 27 का कितना होता है। सात सौ, तीनों को जोड़ो क्या ये 819 बन रहा है। अगर तीनों को जोड़ के ये 819 बन रहा है, यही हमारा आंसर है। बस पहले पता लगाओ जीपी में कौन सा है, उसके बाद उनके स्क्वायर का सम ऐड करके देखो कि वो 729 बन रहा है या नहीं बन रहा। ऊपर वाले मुझे बचा ले।
हाँ जी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा 20। सम ऑफ द सीरीज एन टर्म, यहां पे ये लिया, अब बताना है कि इस का सम क्या होगा, कौन सी चीज बन रही है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का मैं बहुत आसान तरीका बताता हूं आपको। आप ना इन तीनों वैल्यू को जोड़ो, कितनी हो गई है, 7 हो गई। हमने कितनी वैल्यू जोड़ी है, 3। अब आपने एन कितना लेना है, 3, और ऑप्शन में एन की जगह 3 पुट करना है और देखना किससे 7 बन रहा है। पहला ऑप्शन चेक करो, 2 की पावर 3 - 1 कितना बनता है, ये यही बन गया, तो यही मेरा आंसर है बस। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहली 3 वैल्यू को ऐड करो तो, और एन की जगह 3 पुट करके देखो कि ये 7 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो जितना भी टोटल बने, 7 बने, 8 बने, जो भी देख लो, अगर मान लो चारों लेते तो 4 पुट करके देखते फिर, लेकिन मिनिमम 3 वैल्यू ले करो, आसान रहता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, 19 भी हो गया, 20 भी हो गया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये हो गया ना बेटा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो आपका मन कर रहा है, सभी बच्चों को कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे दोबारा करवा सकते हैं, जो मन करेगा आपका। आपके लिए मैं बैठा हूं 2 मिनट के लिए मौन व्रत करके, आप जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं दोबारा पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मौन व्रत करके आप पूछ सकते हैं, जो मन कर रहा है आपका। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी अलाउड है, ऐसा नहीं है। सौम्या तिवारी जी, अमन भारद्वाज, हिमांशी बेटा, सभी लोगों को अलाउड है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट 24 वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो बोलोगे वो करा दूंगा, मुझे तो आता है। एटीन में कहां था इनफाइनाइट का, डैश डैश नहीं लिखा ना उसपे, डैश डैश ही तो है, कहां है इनफाइनाइट ही होता है डैश डैश। हाँ आराम से, कोई बात नहीं है। हाँ जी बच्चों, सर क्लियर है, ओके। एक बच्ची ने पूछा है 24 दोबारा करा दो सर, अब पूछ ही रहे हो, इतनी फोर्स करे तो दोबारा पूछ लेती हूँ मैं, आपका दिल ही तोड़ूंगी कि दोबारा पूछ लो। चलो 24 क्वेश्चन दोबारा देख लो। 4 ज्योमेट्रिक मीन, इनके बीच में 4 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो पहला नंबर क्या हो गया 4, लास्ट नंबर क्या हो गया 972, इनके में 4 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो पहला जीपी का है, तो पहला नंबर क्या होता है ए, फिर क्या होता है ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, 4 नंबर हो गए, तो इसका नंबर क्या हो गया ए आर फाइव, इसका मतलब ए आर फाइव की वैल्यू कितनी हो गई 972। तो इसके लिए पहले आर या ए निकालना पड़ता है, ए तो गिवन ही है, अब ए की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, 4 × r^5 = 972, r^5, 972/4 कितना आ गया 243। अब 243 के हमने फैक्टर करे, ऐसे फैक्टर करने आते ना 3 3 से, तो अगर 3 की पावर 5, 5 से 5 कट 2 r कितना आ गया, अब r 3 आ गया, तो यहां पुट करोगे तो ये वैल्यू निकलती चली जाएगी। और बताओ कोई भी दिक्कत हो दोबारा पूछो, कोई दिक्कत, आराम आराम से, स्लोली स्लोली, मजे मजे में।
हाँ जी हो गया 11। क्या बोला 11 क्वेश्चन दोबारा? लो जी दोबारा का तिवारा हो गया फिर तो वो। कोई बात नहीं दोबारा मतलब तिवारा हो गया ना, दो बार तो पहले करा देता। 11 क्वेश्चन तिवारा। चलो चलो, बच्चों ने बोला है कि 11 क्वेश्चन दोबारा तिवारा, दोबारा नहीं तिवारा। चलिए 11 क्वेश्चन। द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, जीपी का सेकेंड टर्म कितना है और फिफ्थ टर्म कितना है? 81। तो बताओ कौन सी सीरीज में इतना है? ये देखो ऑप्शन में सेकेंड नंबर पे 24 अगस्त में है, तो यही बन सकता है। तो ये सब तो नहीं बन सकते, हटाओ इनको। अब इसका आर निकाल लो। आर कैसे निकालते हैं? A2 बाय, तो 24 बाय 16, 8 से 8 ये 24, 8 दूनी 16, ये आ गया आर। अरे आ गया। अब ये ए हो गया, ये ए आर, ये ए आर स्क्वायर, ये ए आर क्यूब। अगला टर्म क्या आएगा? AR4, ये आएगा। ए कितना है? 16। आर कितना है? 3/2 की पावर 4, तो 16 × 81/16 कट गया। कितना आ गया? तो अगला नंबर 81 आ गया। 81 कौन से नंबर पे आ रहा है? फिफ्थ। यही तो कह रहा है फिफ्थ नंबर के नाम चाहिए 81, तो यही मेरा ऑप्शन हो गया। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और बताया था मैंने, वो भी करवाता हूँ। पहले ये सीख लिया आप लोगों ने। सबसे आसान पेपर इकोनॉमिक्स का आता था फाउंडेशन में, अब पता नहीं क्या आंसर आएगा। नहीं एग्जाम में इस बार भी आया था इको का पेपर सबसे, लेकिन अब कोर्स बदल गया ना इको का है, 12th का है। हाँ और थोड़ा सा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। लेकिन अब पढ़ने वाला है, पहले बीसी के था जनरल नॉलेज। करा लॉ में एमसीक्यू सी था। चलो कब तक लॉ से भागोगे? अब तो लॉ पूरा हो गया, अब तो बीसीआर भी खत्म हो गई, इंग्लिश भी खत्म हो गई, अब तो पूरी लॉ लॉ है। यस इससे पहले सीपीडी अब था तब फाउंडेशन सारा ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, मतलब अकाउंट्स भी ऑब्जेक्टिव, मैथ्स भी ऑब्जेक्टिव, लॉ भी ऑब्जेक्टिव। तब लॉ में सबके पूरे बेटा पूरे नंबर आते थे, लॉ में सब पास होते थे। तब फेल होने का पेपर एक होता था मैथ्स सिर्फ, क्योंकि मैथ्स तो शुरू से ऑब्जेक्टिव तब भी नहीं होते पास। और अब दूसरा आ गया मुसीबत लॉ, अब ज्यादा लोग मुसीबत हो गई है। चलो तब भी पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है? तब तो हम सॉल्व करवाते ही है, क्या दिक्कत है? हमें तो दोनों तरीके आते हैं, सब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव हमें क्या कोई सा भी करा ले, बट बच्चों के लिए प्रॉब्लम है ना, टाइम नहीं होता, वैसी कंफ्यूजन नहीं आती उनको। 3 घंटे मिलेगा टाइम, लेकिन बच्चा कैप्शन नहीं कर पाता ना, वो पूरा डिपेंडेबल हो गया कैरेक्टर पे। अब ऐसी मैथ अगर आती तो 11 12 में ना सीख लेते। चलिए अगर इसको वैसे करके क्या गया, सेकंड टर्म कितना बेटा? 24। तो आप सबको पता है सेकंड टर्म होता क्या है? AR 24, पहली इक्वेशन। उसके बाद कौन कर रहा था वो? फिफ्थ टर्म हो गया AR4 कितना है? 81। ये सेकंड हो गया बेटा। अब आपको निकालना है इसका क्या, आर और ए, तो बड़ी वैल्यू को सेकंड वैल्यू से डिवाइड करो, तो क्या आएगा? AR की पावर 4 अपॉन, याद ए से आर की 3 बराबर 27 बटे
तो आर की 3 पावर 3/2 की 3, तो आर कितना आ गया। अब आर की वैल्यू यहां पुट करो, ए निकाल लो, तो ए इंटू 3/2 इक्वल टू 24, तो ए इक्वल टू 24 × 2/3 कितना आ गया। पक्का, कोई दिक्कत। अब मुझे निकालनी है सीरीज क्या होती है, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यही निकालना है। तो ए कितना है 16 आर कितना है 3/2, 16 × 3/2 का स्क्वायर, 16 × 3/2 की क्यूब। ठीक है, और कराओ एक बार और बताओ, कोई और क्वेश्चन आपके मन में चल रहा हो कि सर ये क्वेश्चन दोबारा करा दो, मन में मत रखना कोई, बस कभी नहीं मिलेगा ऐसा जो आपसे बार बार पूछ रहा है कि भाई पूछ रहा, दो दो बार कराता, कभी मैं एक बार भी ये नहीं कहता अरे नहीं दोबारा करो, क्या दिक्कत वाली बात है। मुझे लगता है मेरी प्रैक्टिस ज्यादा होती है, फिर आप करो ना करो मेरी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ बेटा बताओ, कोई क्वेश्चन आपका ऑनलाइन वाला बच्चे, कोई भी कोई भी क्वेश्चंस आपको, जो अभी तक कराया है, जो जो नहीं कराया उसकी तरफ मत देखो, जो कराया उसकी तरफ देखो बस, जो नहीं कराया जैसे ये 15, 16, 17 नहीं कराया अभी ना, ये और ये नहीं कराया, इसकी तरफ मत देखो, इसको कट्टूस मारो, जो कराए कराऊंगा लेकिन कट्टूस मारा नहीं कराऊंगा लेकिन हाँ जी दीपक जी, हाँ जी दीपक जी नमस्कार जी, बताइए जी। क्यों कह रही है, तो क्या हुआ बताओ तो सही, कहाँ मिलूंगा मैं, चलो मैं मिल लूंगा, मैं आऊंगा ना तो हाँ वहाँ से, तो हाँ लक्ष्मण से आऊंगा ना मैं, तो चलो देखता हूँ मैं तो बात, कितने में जाओगे वहाँ पे आप। नहीं कोई बात नहीं, मिल लूँगा शाम के, तक कितने में जाओगे वहाँ पे, तो कल भी आ जाऊँगा मैं, 3-3 में तक आ जाऊँगा मैं, मिल लूँगा। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ जी हो गया, यस और नो बोलो, इन तीनों छोड़ के बाकी बताओ, कोई ऐसा क्वेश्चन आप जो आपको लग रहा है कि मुझे सर से दोबारा पूछना चाहिए या करना चाहिए, बताओ पक्का। टेन वाला बता दूं, सबसे आसान क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे, टेन वाले मिटा देखो क्या है, यहां पे ना सम निकालना था, तो पहले ए बताओ कितना होगा, सर ए होगा 1/√3, तो ना √3 कितनी होती है 1, तो डिवाइड करो, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 को डिवाइड करो इससे कितना आएगा, बोलो ना 0.5 समथिंग आएगा, 577 36 ये आ गया। फिर निकालो आर, आर क्या होता है a2/a1, तो a2 कितना हो गया ये बाय a1, 1/√3, तो ऊपर जाके क्या हो गया √3, और √3 कितना होता है 1.73, तो r भी आ गया a भी आ गया बेटा। अब सम निकालो, सम का फॉर्मूला क्या था, a प्लस इक्वल टू r इंटू a इक्वल टू n माइनस 1 जी, यही था बेटा। तो a कितना है 0.57736 इक्वल टू r कितना है प्लस इक्वल टू r कितना है 1.732 इंटू 0.57736, ठीक है, इक्वल टू कितनी बार 17 बार जीटी करो, कितना आया क्या आ जाएगा 15,515 कुछ आ रहा होगा, 15,500 कुछ आ रहा था, यही आ रहा था बेटा, मुझे नहीं पता 515 या सब कुछ कितना आ रहा था, यही 515 आ रहा था। अब आप ये देखो कौन सा ऑप्शन 15,000, तो भाई ये ऑप्शन तो 15,000 ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड करने में और छोटा हो जाएगा। अब इस ऑप्शन को चेक करो, 9841
वन प्लस रूट थ्री कितना है 1.732 अपॉन में 1.732 बस 11,15,522 तो लगभग इसी के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। और बोलो। हाँ जी बालको, ऑप्शन ए बेटा जो क्वेश्चन कराया उनमें बताओ कोई डाउट है। देखो तीन क्वेश्चन को तो अभी नहीं कराया उसकी बात ही मत करो, ये जितने कराया उसकी बात करो। 11 से लेके 24 तक में तीन क्वेश्चन गए, मतलब 11 क्वेश्चन कराए, उन 11 क्वेश्चन में कोई दिक्कत बताओ। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अच्छा जब सर कह रहे हैं बार बार तो कुछ तो कुछ पूछ ही लो। 22 भी पूछो भाई। सम ऑफ इनफाइनाइट निकालना है तो ए कितना हो गया 1, आर क्या होता है दिस अपॉन दिस तो कितना आ गया -1/3। अब सम टू इनफाइनाइट क्या आता है ए अपॉन, तो ए कितना है 1 माइनस आर कितना -1/3 1/1 + 1/3 तीन और एक तो 1/4/3 तो 3 ऊपर आ गया कितना आ गया 0.75। बोलो कोई दिक्कत और बोलो बताओ कोई जगह पक्का। चलो मेरी बारी खत्म, अब तुम्हारी बारी। जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो सारे क्वेश्चन दो दो बार अभी करो, दो दो बार ईमानदारी से, ईमानदारी से करना दो दो बार। देखो आपने जितनी बार बोला उतनी बार मैंने किया, वो क्वेश्चन बताया आपको, अब आपकी बारी है ना भाई साहब। मैंने सर ने हमारी बात मानी तो अब सर की बात हम मानेंगे। चलो हर क्वेश्चन दो दो बार इसलिए करा रहा हूं कि घर जाके चाहे मत पढ़ो लेकिन यहां तो आ जाएगा आपको एटलीस्ट। हर किसी को तो आ तो जाएगा एटलीस्ट ये। हाँ जी बाल को नहीं है सर। चलो अब फटाफट दो दो बार करो हर क्वेश्चन बेटा। 11 से बेटा आज जो बढ़ा उससे 11 से, 1 से करो तो बहुत टाइम लगा दोगे।
Thank you.
हो गया भाई, ये भी रह गया, दो रह गया। हाँ करो करो, दो दो बार करने हैं, एक बार नहीं, दो दो बार। Maybe.
मन ही नहीं कर रहा, बाहर निकल के ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। ठंडी है, हो गया बेटा डन डन, वेरी गुड बेटा। तो सभी विद्यार्थी ने ये डन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आई थिंक लो वाले सर की क्लास शायद नहीं है ना? नहीं, ओके नहीं है। ओके बेटा।